और ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग कश्मीर में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर सलमान साकर ने एसएमसी मेयर जुनेद अजीम मत्तू के हालिया इल्जामात की तर्दीद की और कहा कि वो इस मामले में जुनेद मत्तू को जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हैं। अनंतनाग में यूथ एनसी की मीटिंग में शिरकत के बाद सलमान सागर ने कहा कि उन्हें मेयर की कुर्सी पर बैठने का कोई शौक नहीं है, न ही एसएमसी के डिप्टी मेयर से एनसी का कोई ताल्लुक है। इस मौके पर डॉक्टर बशीर वीरी, एडवोकेट मजीद लारमी, एडवोकेट रियाज खान और सैयद सबा के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। लीडरान ने यूथ कारकुनों से पार्टी एजेंडे को कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की तलकीन की ताकि कश्मीर में नौजवान सियासत को तकवियत दी जा सके। मेयर का जहां तक सवाल है, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है क्योंकि हमारी मेजोरिटी नहीं है वहां। मैं वहाँ एक आदमी हूँ, एक हमारा इलेक्टेड कॉर्पोरेटर एक ही है वहाँ। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, मैं नहीं समझता कि मुझे ज़्यादा इसमें जाना चाहिए क्योंकि वो सत्यपाल मलिक जी ने पहले ही बोला था मेयर कौन बनेगा और राम माधव जी ने भी कहा था कि मुबारकबाद राम माधव जी ने भी दी थी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि यहाँ हम वापस रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता नहीं कि कुछ लोग रिस्पॉन्ड करने के लायक वो डिज़र्व करते हैं यहाँ से रिएक्शन। चलिए लेट्स सी, टाइम विल से कि आने वाले वक्त में क्या होगा। बाकी बीजेपी के साथ अलायंस किन का है, बीजेपी दिल्ली में किन को बनाती है वो ये भी अच्छा जानते हैं और बीजेपी भी अच्छी जानती है। आपके डिप्टी मेयर पर भी उंगलियां उठी? डिप्टी मेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस से एज सच नहीं है और डिप्टी मेयर जो है वो एक इंडिपेंडेंट है वहाँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही इलेक्टेड कॉर्पोरेटर है, दैट इज मी। तो अगर एक आदमी से डिप्टी मेयर बनता है फिर वो हमारा है, अगर एक आदमी नहीं बना सकते फिर हमारा नहीं।